पूर्वांचल छठ समिति की ओर से छठ महापर्व पर द्वारका विधानसभा के अंतर्गत नगरवन पार्क में एक विशाल छठ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार राजनीतिक हस्तियों का तांता लगा रहा। पूर्व विधायक से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तक इस छठ महोत्सव के मंच का हिस्सा बने। सूर्य की आराधना करते हैं। मैं समझता हूं कि इतना कठिन तप, इतना कठिन वर्ग मैं नहीं समझता किसी और व्रत के अंदर है। इसके लिए भी आप लोगों की जो आप लोगों की हिम्मत है और आप लोगों को जो शक्ति मिलती है, उसके लिए भी छठ मैया की कृपा है और छठ मैया की कृपा आप पर हम पर बनी रहे। खुशी हुई कि मैंने स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझ के पहले काम किया, फिर उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। मैंने राजनीति नहीं करी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंच से ही दिल्ली वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, मैट्रिक किराया जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बार हमारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से 10% ज्यादा आए। कभी सुना था सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे हैं? तो हमें आपके बच्चों की चिंता लगी रहती है। अस्पताल है, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया है, ताकि गरीब लोगों को गरीबी की वजह से कभी अच्छे इलाज से वंचित ना रहना पड़े। पूरे देश में हर राज्य के अंदर अभी उत्तर प्रदेश वालों ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं, चारों तरफ बिजली के दाम बढ़ा रही है सरकारें। पूरे देश में पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार आई है, याद करो पहले जब दूसरी सरकार थी हर साल बिजली के दाम बढ़ा करते थे, 3 साल से दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है। पूर्वांचल छठ पूजा समिति के इस आयोजन में स्थानीय विधायक आदर्श शास्त्री, मनोनीत पार्षद राम निवास तंवर व अन्य पार्षद नरेश गिरसा ने भी इस मौके पर सबको बधाई दी। क्षेत्रवासियों को बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं मनोकामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सूर्य देव भगवान और छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज इस अवसर पर छठ मैया की जो छठ घाट छठ पर्व पर सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं एक बात विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सुंदर प्रोग्राम हो रहा है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, पूरे 27 घाटों पर दिल्ली सरकार की मदद से जो आज पर्व मनाया जा रहा है, तो इसमें एक पर्दे के पीछे की तस्वीर है जिसमें हमारे जो विधायक हैं आदर्श शास्त्री जी, उनका बहुत बड़ा प्रयास है, उन्होंने बहुत बड़ी जो उनकी बहुत मेहनत है उसी का फल है। सभी श्रद्धालुओं को, पूरे क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं जिसके सहयोग से इतना भव्य कार्यक्रम छठी मैया के लिए किया गया। मेरे साथ एक बार सभी 15 साल पहले पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करने की एक छोटी सी शुरुआत की गई। उस छोटी सी शुरुआत आज एक विशाल रूप में बदल चुकी है, जिसका अंदाजा हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की उपस्थिति से लगाया जा सकता है। मैं अपने पूरे पूर्वांचल वासियों को एवं देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई पूर्वांचल छठ पूजा समिति एवं द्वारका विधानसभा की ओर से। मैं ब्रजेश कुमार मुन्ना, पूर्वांचल छठ पूजा अध्यक्ष एवं द्वारका छठ पूजा अध्यक्ष। एक ऐसा पर्व है जिसमें सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और सफाई एक ऐसा चीज़ है जो हर आदमी की जरूरत है। यह पर्व ऐसा है जिसमें सुबह 4 दिन का पर्व होता है, 4 दिन से लोग एक एक चीज़ की सफाई पर ध्यान रखते हैं और पूजा सफाई के साथ खत्म किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें डूबते सूरज की पूजा होती है। आज तक विश्व में कहीं भी डूबते सूरज की पूजा नहीं होती। और ये पर्व सिर्फ अब इंडिया का पर्व नहीं रह गया, वाशिंगटन DC सब जगह मनाया जाता है, रूस अमेरिका कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। छठी मैया की जय। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं संस्था का संस्थापक हूँ और मैं आप सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। छठ महापर्व पर श्रद्धा और राजनीति के इस अनोखे संगम के बीच श्रद्धालुओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले, जो विशेष रूप से छठ महापर्व के लिए ही बनाए गए थे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।